जी सारा ने हैप्पी दिवाली। आज है जी मेन दिवाली अपनी। आज सुबह सुबह युव लोग शूट करने लाग रहे हैं। नू नहीं बेरा युव लोग अब तक पहुंचेगा किस टाइम तक? 11 बजे तक तो मेरे ख्याल से मुश्किल है। कोशिश तो करेंगे लेकिन है मुश्किल जी। देखो और फिर नाटक का टाइम हो जाएगा अपना, क्योंकि 12:15 नाटक पड़ा है। तो फिर तो यो जाकर सामने 2-3 बजे आओगा। शेड्यूल डगमगा रहा है। शेड्यूल वो है नहीं जो बन रहा था, थोड़ा बिजी शेड्यूल ज्यादा आ रहा है। तो इस मारे चलो जब भी आवे आप अपने लोग ने पूरा प्यार दियो, पूरे प्यार तो देखियो। तो देखो पर्दे वर्दे सारे उतर रहे हैं, क्योंकि धो दिए थे ये मैंने। मैंने पूरे 2 दिन लागे जी घर का सारा गप्पा गत्तन धोनू मैं। ठीक है आज ये सारे लगवाऊंगी, क्योंकि धो धो तो मैंने एकली ने दिए। धो तो मेरे तक गए लेकिन लागे कोना ही ऊपर ऊपर लागेंगे तो लग मेरे तक होना। तो मैंने मदद चाहिएगी, तो मदद के लिए मैं बोलूंगी। और तो किसने बोलूंगी मैं? अलाव साहब ने बोलूंगी। आ जाओ वाट में बैठे हैं। अच्छी हैप्पी दिवाली भी हाज दिवाली। आ जाओ। और ये नुका है देख, सीढ़ी धर रखी है। ये नुका है अक्सीडी का पाला लेना, मैं पड़ जाऊंगा। फिर एक पड़ जाओ के जा है अच्छा और बताओ। अरे है ना आपने 2 गेड़े हो लिए ना, दूसरे बड़ा गाल दो बाहर की साइड, ओड़ा बड़ा चलिया जाए इनका। आज नहीं जाना चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये हो रहा है। तो गलवा दूँ जी ये पर्दे वर्दे सारे गए, क्योंकि सारे उतर रहे हैं, सारे दूरी हैं। भीतर एक मिनट एक मिनट पढ़ना जाओ। अच्छा पाला हूँ पकड़ा हूँ। छोड़ दे पाल मतलब। पढ़ जाओगे? पकड़ा दे तू पहले। इसको बोझ मत दियो ना। पकड़ा नहीं यार मेरा माफ कर दे। वाले पास मैं माफ कर दूँगा। छोड़ दे। हेलो कैमरा कहाँ है? वैसे मैं इन चीजा ना तो मेरे हाथ में है। मैं अगर ये पा हटा दू तो ये फिसल का नीचे आने का पड़े। कैमरा मैन कड़ियों में क्यों दिखाया जा रहा है, नीचे क्यों नहीं करते? वो बोल तो मैं रही हूँ और सक्री में कैमरा उठ रहा है। देखो पाला ये पा हटा दू तो यार आराम जाओ। पड़ी जाओ ये समर पकड़ा जी एक यो पड़दा। आ जल्दी दे दे पकड़ा पकड़ा। नहीं बेटा लो ये इसे इसे काम में मन की हेल्प लेनी पड़ जा। हमने अपने तो दोनों हाथ में थे वह दिए दूं जब अपन बाती उस उसकी बना लिया। हेलो जी, गुड मॉर्निंग जी, हैप्पी दिवाली सबको। ओ, ओ, और ओ, जी ओ, रुक जाओ ना आप एक बार, मैंने बोल लेने दो ना। देखो जी पहले इनकी दिवाली देख लो। देखो बम भटकाने लग रहे हैं पापा बेटा बारी बारी। और कौन से है पॉप? कौन से बम है पॉप जो जमीन पर मारे थे? कितने अच्छे हैं दिखा दियो। देखिए मैं अच्छा कलर देखियो ये बम है। अरे भटकाने देखिए। अरे दियो मुन्ने भी एक मार। ज्यादा जोर लगाना है कोई ना होए मार दे बस। होए बस ये बम ये बढ़िया आग लगानी ना और कुछ है फटाफट। कितने की डिब्बी आवे है? 10 की 1। 10 की 1 ठीक है। यूं कर 50 रुपए ले जा घर से और 5 मेरी डिब्बी लिया। हाँ जब यू मन हो कि हाँ भाई दिवाली है खिलिंग आ जाए, जब पटापट पटापट लाग जा करण उसने। ओए भाई ने कमे मेरे पैर पर मारा। जाओ आप ऐसा करो 50 रुपये 50 रुपये लेकर मेरी ले आओ पॉप। हाँ अरे यो ना फुटे यो मैंने ड्रावे ड्रावे कहाँ है? अरे वो यो लीक हो गया होगा थोड़ा बहुत, इसलिए ना फुटे फट गया होगा कहीं पे। और जी टाइम है अभी सुबह सुबह का दिवाली वाले दिन, और मेरा जो मेन काम है वो अभी अंदर में जाके करूंगी। ठीक है बेवकूफ पैरा मेरा मारा करे।
और जी आपने कोई विशिंग नहीं देनी? इसने धोवा लिया उन्हें बाहर 150 रुपया में ना, कपड़ा कपड़ा मार देंगे। अच्छा हैप्पी दिवाली बोलो सब ना भाई, हैप्पी दिवाली अंग्रेज बोल लेंगे। अच्छा पापा बोलेंगे सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम ये बोल रहे तो कहाँ चलना है? हम कोई भी ये बोलता ना भाई दिवाली मुबारक हो फलाना, ये मत बोलिया करो। अच्छा दिवाली की शुभकामनाएं होती है, मुबारक तो ईद होती है। मैंने बहुत कई बार बोल देते मेरे को अगर दिवाली मुबारक हो भाई, मुबारक क्या, मुबारक तो ईद है। ठीक है भाई, ये हमारे घर पे थोड़े ज्यादा है ज्ञानी मानी है तो ये बात कर देते हैं। आजकल जिस तरह यूं नहीं कहते हैं कि भाई आंटी में सब कुछ आ जा है, तो वो रेमन और जो कविता है, रेमन भाभी लाग गए इनकी बच्चा की और कविता जो दादी लाग गए, तो फिर मतलब आंटी ये कहते हैं कॉमनली थोड़ी आओ है। लेकिन है ना ये होंगे ना, मतलब की बात क्या है कि भाई एज के अकॉर्डिंग उनकी मम्मी यार की एज की, अब भाई थोड़ा सा दूर पड़ा है परिवार में भी नहीं हूँ। ये शहर हम बात हो रहा है, गम्मा में नेक जोग अपने बने रहने चाहिए। अरे अपना नेक कदा छोटा नहीं करा करते अंकल, में मोस्टली चीज आ जाए हमने की कोई ताऊ जी लागे हैं, चाचा लागे भाई अंकल, ताऊ जी चाचा जी मामा जी ये आते हैं, भाई नहीं आता, भाभी आंटी में नहीं आती, दादी आंटी में नहीं आती। ठीक है, किसी ने ना पता हो तो इतना भारी आ जाओ, आपने भी दिखाऊं, आ जाओ तो आ जाओ करवा दो। और ये तो कंप्लीट काम आया नहीं है मेरे अंदर से, ये देखो जी कंप्लीट नहीं आया है ना, अभी किचन में जाके और देखूंगी तो और देखना क्या क्या है। सबको सुबह सुबह मैंने परोठे खिला दिए और मेरी किचन जो है बिखरी हुई है अभी, और अभी तो भाई देखा ऐसे बच्चे मैंने यूं की थी कि भाई ये बर्तन बाहर कर दो, तो ये बर्तन अभी बाहर भी नहीं गए और ये कह रहे कि सारे कर दिए। ये देखो ये रखे, देखो जी हमारा और भी कमेरपना चल रहा है, पहलवान साहब बड़ा लाकड़ी पड़न लग रही है, बहुत बड़ा और मेन काम है, कोई नहीं दिखा था आपने देख लो। क्या था भाई सर, 70 किलो ला फ्रेश हो करूंगा रखा करो, स्टील बेड पर गया वाक क्रम करना मन नहीं क्या करें। ठीक है करो, जब काम किस्मत वालों को मिलते हैं है? के बनान की तैयारी खो काटन की, मेरा काम है पढ़ने का। गाजर पा काली गाजर ताई ना नहीं पर आ जाएंगी दे ही बना ही कसुत्ता है पर है ना कड़ा पट है ना लाल है तो पी। ठीक है जी, इनका एक दोस्त आ गई है, अरे देखो बे बर्तन साफ होने लग रहे हैं, और मैडम जी पहले ताते पानी में बर्तन साफ करने लगी है, गड़े हैं जी बर्तन बहुत ज्यादा है। नू बतायो तुम कमेंट करके गर्म पानी ता बर्तन गर मांजन कौन कौन लाग लिया, कमारे शुरुआत हुई है ना जी, वही बात है कि चिकन हटके ज्यादा है इसलिए मैंने गर्म पानी ज्यादा यूज करा, सर्दी की वजह तो ना करा, मका भाई यूं है अच्छे तो साफ हो जाएंगे है ना, ज्यादा क्योंकि आज बहुत सारी अलग 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 चीज बनवा रहे, किसी ने परोठे बना रखे, किसी ने कुछ बनवा रखा है, किसी ने कुछ के जी एक बनू पूछो कुछ के जी समोसे वगैरह खा रखे हैं सुबह सुबह, क्या है इनमें, ये शाम का होगा ना एकादा बर्तन ना, देखो जी सुबह सुबह किसी परांठे खाए हैं, कटोरी जो मेरे हाथ में है ना इसमें समोसे की चटनी थी, शायद किसी ने यूं रखी थी, अक भाई अच्छी है बढ़िया टेस्टी है, करोटिया का ले लेंगे, वो ली गई नहीं इसलिए उसने ये करूंगी मैं। वाह बात जी, हमने तो खाए हैं दाल के परांठे, इब हमने न्यू नहीं बेरा है, और कुछ कुछ के बनया था। ठीक है हाँ न्यू कहो, जब अक्सान से बन जाएगा के बन जाएगा, और कुछ कुछ है यो देखो यो मैडम जी तो पानी तत्ता कर दे है,
और मैडम जी बर्तन साफ करे है आज घर हूं भाई ड्यूटी तो लग गई आज मेरी ड्यूटी लग गई है सारे दिन पानी तत्ता करिए चलो आज आपका हुक्म मान लेते हैं आज बाहर का कितना प्रोग्राम मेरा है नहीं आज मैं पानी तत्ता करवाऊंगा ना जी ना झाड़ू पोछा मारा लिया हो ठीक है पानी तत्ता ही करेगा झाड़ू पोछा और झाड़ू पोछा करूंगा ठीक है ना मैं धोरे करवा झाड़ू पोछा ना के जा हिन्ने तो कह रहा है हेल्प करवाओ हेल्प करवा दूंगा किसी भी काम में हिन्ने तो नु कह रहा है एक दिन दोनों भाइया तो करवाओ कर देंगे एक ही लग गए आज तो हो लिया जी भी दिन मार दे झाड़ू पोछा दो मिनट लगे एक दिन है आज तो जी मैंने सारे ते झाड़ू मार दी और पोछे की बारी रह रही है मारो तो गए थे मत्ता पे ठीक तो कौन से बड़े वाला था नहीं खेल में या फिर छोटे वाला था फाइन मत दोनों भाइया मत एक को ही साथ तो जी हम जा लिए थे शायद सुबह सुबह 2-3 बजे सी क्योंकि वहां पे जल्दी जल्दी से मतलब बहुत सुबह सुबह प्रकाशन गणे हैं इनकी इन मैं मदद करवा दे जब धोख लग गया करे तो हम आए ना तो अपनी जान में शाना बने रहे जोन सा भी था पानी डाल के वो पूरे फरस पे इकट्ठा 2-3 बाल्टी और फिर भाई पर मारना आ गए उस पर बोला हमने झाड़ू पोछा कर दिया सारा कुछ बाहर आया इतने पूरी फैमिली आई इतना हमने सारा काम कर दिया और वो आपने पता है वाइपर पर खींचे थे किस तरह वाइट वाइट सा हो जाया करे मैं ना ठीक तो वो झाड़ू पोछा करेंगे तो जीजी यार देखो हमारी कमोई धरी है इसका पानी हमने लिया है कुछ पोचे में यूज कराया है और कुछ जो वो और गर्म होने लग रहा है तत्ता नान धोन में उसमें यूज हो जाएगा और जो वो गेहूं थे उन गेहूं ना उल्टे अपने खाने वाले गेहूं में डाल लेंगे उसके बदले में जितने गेहूं हैं उतने बच्चे तो कुछ चीज ला देंगे क्योंकि बड़का एक होया करे यू ठीक है तो यो सिस्टम है भाई तक हमारी मम्मी भी जी हमने है ना मतलब होया था यूं करे कि वो गेहूं दे दो और बच्चे उसकी दुकान पर से चीज ले आओगे लेकिन आजकल गेहूं कौन ले है जी गेहूं तो जी कदे मारी मम्मी मामी होया करती ना उस जमाने में जाया करते मारे जमाने में भी गेहूं आगे चीज ना आई कदे भी मारे टाइम पे भी पैसा की चीज आया करती लेकिन मारी मम्मी भी यूं करा करती कि लो बेटा इतने रुपए ले लो और अपनी चीज ले आओ गेहूं हम भी ना लेके गए कभी तो क्या ना करते जी और ना तो होया तो यूं करे यू मतलब यो जरा बात है कि भाई वो गेहूं फिर बच्चा ते देने तो जी सब लाग रहे हैं काम का साफ सफाई का और जी वैसे जो गर्दे गुर्दे की सफाई थी वह तो मन्ना इन्हें मिटा ली थी कुछ बड़का की हेल्प लेके कुछ मरे बड़े अलावत साहब की हेल्प लेके इसने गर्दे गुर्दे में थोड़ा हकम रखा ग्राम लेकिन उसके बदले में कर दिया था उसके फिर मैंने ये इतने फ्री कर दिए थे जितनी सफाई करने लग रहे थे कि फिर मैंने इन तक कोई घर का काम नहीं करवाया था हाँ जी मामने रात न करी थी मैं अपनी ड्यूटी पे से आते ही जो काम हम दोनों बार मिलकर करा करते वो काम मन्ना के लिए न करा और जो सफाई थी वो इसने और जी फिर अगले दिन धोए मैंने सारे पर्दे वर्दे और सोफे वगैरह सबके मैं ठीक है तो सफाई में इनकी बार नु मान लो मेरा परचम है जी कती सारे कितने की का ठीक है तो जिस दिन मैं अगर हो सका तो एक आधा प्रैंक भी शूट करेंगे थारी गणी डिमांड रहा है प्रैंक गेरे तो मैं गणे दिन हो गए प्रैंक गेरे गणे दिन हो गए और फिर कहूँ मैं आज के इस ब्लॉग की भी कोई नहीं बेरा है किस टाइम तक आवेगा पर जब आवे जब अपने ना देख लिए ठीक है जी और देखो बच्चा की शरारत देख कित बढ़ रहा है गद्दा का नीचा असल में छोटे बड़का का काम यो है जी किता किता के मो काम टोना रुड़ो बढ़ना हम भी नहीं बढ़िया करते क्या हो नहीं बर्तन इतने थे जी सिंक में आवे ना थे फिर मैं कब बाहर रखो ना करो अब सिंक में तो कुछ नीचे रखने पड़े कुछ साइड में रखने पड़े मैं कब बाहर कर दूंगी बैठ कर भी हो जाएंगे ना तो एक घंटा तो मैं आराम से लग गए फिर खड़े खड़े में हो जाऊंगी परेशान चलो जी ये बोर दिखाऊंगे आपके बाद में इतना ये देख लिया कि कुछ अपडेट चल रही है कुकर के में चल रहा है और जी हमारी मम्मी का आज आ गया है सीधा ठीक है तो फिर वो मम्मा आ जाते ना दिखाए भाई मखा के बेरा कैमरे पाना चाहे ना आना चाहे मम्मी मम्मी कोई गला हुए तो हम फिर भी दिखा जाए पर मखा कोई बात ना तो जी आज आया है हमारी मम्मी का दिवाली का सीधा कच्ची दिवाली वाले दिन ताजा था तो ठीक है जी अब तक इतना ही था आगे जो कुछ होगा शूट करे जाएंगे अर्थात ही घेरे जाएंगे दिखाए जाएंगे।
ठीक है जी, प्रैंक देखेंगे, अगर सारे घर ना इकट्ठे रहे तो प्रैंक जरूर शूट करेंगे, ठीक है, फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो देखो जी, श्री ने है ना इस फ्लावर पॉट पे पॉलिश की है, और यूं कह रहे हैं कि कुछ हो रहा है, पॉलिश तो जी शाइनिंग आया करो, रोना की है, ठीक है, शाइनिंग आ गई इसमें, चमका है यो, दूसरे ने और चमका दो, एक वाड़ा गला दिया था, नहीं भी चमका दो दूसरे ने, थोड़ा सा बच रहा होगा ना, बच रहा है। देखो आज दिवाली वाले दिन भी नहीं रुक रही है, इतने मेहनती, इतने ईमानदार, कर्मठ, कर्मठ, हाँ वो कर्मठ माइंड में नहीं था मेरे कुछ बिल्कुल भी, ठीक है, और शब्द नेता, हाँ, और शब्द तो मैं बोलू थी लेकिन कर्मठ ध्यान नहीं था मेरे को बिल्कुल भी, ऐसे ऐसे ही आते हैं ना पोस्टरों के ऊपर, हाँ आते हैं बिल्कुल आते हैं, और अब ये लग रहे मेरे को तो इसमें से बदबू आ रही है, एलर्जी सी बन जाएगी मेरे लिए, छीक छीक आऊंगी, और अभी दूसरा फ्लावर पॉट रखा है ना मैं ही कौन जी, इसने भी चमका दो, इसने के कसूर कर रखा है, नहीं इसने भी चमका दो, यो तो सही है ना, देख अगर उसका लगा दिया ना तो इससे भी लगाए लो, दोनों भाई एक से करने, हाँ दोनों भाई एक से करने करियो, फिर अगर ना बच्चा तो बच्चा ना बच्चा है, बहुत लंबा है बस, यहाँ ना इस पर तो इतना ना भी लगे, एक बार इस पर लगा दो आप फ्लावर पॉट पे है, तो एक बार उस पर लगा कर फिर इस पर लगाए जाइयो ने, देखो जी कितने दिन तक कपड़े धोने लग रही है, इसके कपड़े पूरे नहीं हुए, आज तो जी पहनने वाले की जंग है, इतना ही तो ऊपर का मोटा मोटा जो चादर चुदर कंबल कुंबल सोफे के कवर पड़दे वड़दे कितने काम हो ना वह नमताए हैं, आज फिर पहन आया नंबर आ लिया, ये वो बालक तो निकले वो निकाल दो दियो हमारी छुट्टी ने भाई, थारी तो है मेरी तक होने है, मन्ने तो कल जाना है, मजा लग गया अपने, तो आज दिवाली वाले दिन भी हमारे घर कोई नहीं रुक रहा है, कोई तो पेंट करने लग रहा है, आए हैं नए लत्ते पड़े हैं, मिठाई तो खा लिया बीच बीच में, पर नू हक नहाए तो है नहीं, हाय बे नहाए तो है ना जी बे, देखो उसने इन पे लगा दिया, ये चमक गई में शाइन आ गई है, जो बाउंड्री बाउंड्री है ना दिख रही होगी शाइनिंग, इन पे लगा दी, दोनों कमरा की सोफे पे लगा दी, इसलिए सोफे की गद्दी अंदर रख रखी है, अब एक फ्लावर पॉट रह रहा है उस पर लगवा लूं मैं,